एक बेस्ट टीवी हर कोई परचेज करना चाहता है पर कर नहीं पाता, रीजन इज लैक ऑफ नॉलेज। तो आज ना मैंने टोटली 4 टीवीज शॉर्टलिस्ट किए हैं। जी हाँ, बहुत कंपैरिजन करना पड़ा है इन्हें सिलेक्ट करने के लिए, एंड ये चारों टीवीज ना डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। लेकिन देखो, हर एक की ना अपनी एक स्पेशलिटी है, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई स्मार्ट टीवी है तो कोई नॉन स्मार्ट टीवी है, कोई स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी है, तो सबके अपने अपने फीचर्स हैं। बाय द वे, कमाल की वीडियो है, डेफिनेटली पसंद आएगी और एक अच्छा टीवी परचेज करने में जरूर आपकी हेल्प करेगी। बाय द वे, वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, क्योंकि चारों ही टीवीज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं टीवीज की, सो रियल टाइम प्राइस चेक कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के अफिलिएट लिंक्स है, दैट मींस अगर आप उन लिंक्स के थ्रू कुछ भी बाय करते हो तो आपकी प्राइस में 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होगा और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अमेज़न की तरफ से थोड़ा सा कमीशन दिया जाएगा विदाउट चेंजिंग योर प्राइस। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलो बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं एसर के इस टीवी से। बट पहले ही बता दूं, ये एक HD टीवी है, HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, दैट मींस 720 पिक्सल्स। बाय द वे, यहां पर थोड़े से पिक्सल्स ज्यादा रहेंगे, 1366x768, सो बहुत स्लाइटली डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी। रिफ्रेश रेट वही हमारी नॉर्मल 60Hz। और बता दूं कि ये एक एंड्रॉइड टीवी या स्मार्ट टीवी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल टीवी है। यस, ये एक बिल्कुल सिंपल टीवी है और अगर आप इसे स्मार्ट बनाना चाहते हो तो भाई इसमें फायर टीवी स्टिक वगैरह ये यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफी बेटर लगी है, दैट्स व्हाई मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे, इसकी बेजल्स ना साइड में से बहुत ही पतली है, इस वजह से भी व्यूइंग एंगल्स अच्छे लगते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, नो डाउट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीकर्स। तो भाई स्पीकर्स 20 वाट के हैं, वही नॉर्मल, एंड साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत एक्सीलेंट लेवल की तो नहीं कहूँगा बट फिर भी ठीक है, अच्छी है। और सबसे अच्छी बात कि इसकी प्राइस ना काफ़ी कम है, 8499 में ये अमेजोन पर अवेलेबल है। बाय द वे, प्राइजेज ऑफर में थोड़ी कम भी हो जाती है, ऑफर के बाद थोड़ी बढ़ जाती है, सबका अपना अपना नसीब है। बाय द वे, डिस्क्रिप्शन में हमारे अफिलिएट लिंक्स हैं, सो इजीली अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। और अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, इसके अलावा ब्लूरे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल, ये सब अलग से रहेंगे। और हाँ, एक VGA स्लॉट एंड एक हेडफोन जैक भी है। आई डोंट नो हेडफोन जैक आपके काम आएगा या नहीं। और अब अगर रिमोट की बात करें तो यार काफी सिंपल सा डिजाइन है, कुछ भी ऐसा स्पेशल तो नहीं मिलेगा, वही जो हमारे पुराने रिमोट जो आ रहे हैं, जो परंपरा चलती आ रही है, वही यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिजाइन वगैरह कुछ भी इम्प्रूव नहीं है। सो ओवरऑल अगर एक नॉन स्मार्ट टीवी कंसीडर करना चाहते हो देन इट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। 32 इंच में भाई कमाल का टीवी है, कंसीडर कर सकते हो। और अगर एक स्मार्ट टीवी ही चाहिए तो बताते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टीवी है हमारे पास कूका की तरफ से। कूका भाई ये ब्रांड ना, इसको हल्के में मत लेना, बहुत अच्छे टीवीज बना रहा है। बाय द वे, सिर्फ टीवीज ही नहीं, अदर अप्लायंसेस भी काफी कमाल के बना रहा है। पता नहीं आज से पहले आपने नाम सुना होगा या नहीं, वैसे कमेंट में बताना इससे पहले आपने इसके बारे में सुना था या नहीं। तो देखो, रिजोल्यूशन यहाँ पर भी सेम है, HD रेडी रिजोल्यूशन है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ भी पीछे नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर पैनल है IPS। जी हाँ, VA पैनल नहीं है, IPS पैनल मिलता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी लाजवाब रहेगी। IPS पैनल में हमें साइड एंगल्स काफी ज्यादा बेटर देखते हैं, कलर्स भी ज्यादा बेटर होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी बेजल्स हमारे जो पुराना टीवी था उससे भी ज्यादा पतली हैं। साउंड की बात करें तो 20 वाट के ही स्पीकर्स रहेंगे, 2 रहेंगे 10-10 वाट के। डॉल्बी ऑडियो ये सपोर्ट करता है, हालांकि प्योर डॉल्बी ऑडियो तो आपको टीवी में नहीं मिल सकती, किसी भी टीवी में, बट ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सराउंडिंग साउंड आर्टिफिशियली बना पाए। वेल, अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, बट ठीक है, ऑडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, नो डाउट। हाँ, बट अगर हम कंपेयर करते हैं कि एसर और कूका इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर है, तो मुझे एसर की थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। और क्योंकि ये एक स्मार्ट टीवी है, अब देखो स्मार्ट टीवी और एंड्रॉइड टीवी इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है। एंड्रॉइड टीवी में प्ले स्टोर का सपोर्ट होता है, जबकि स्मार्ट टीवी में कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं, आप सिर्फ उन्हें ही यूज कर सकते हो। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको एक स्टोर देते हैं, आप उन पर्टिकुलर स्टोर में से जो उनके पास कुछ थोड़े बहुत एप्लीकेशंस होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, बट प्ले स्टोर स्मार्ट टीवी में नहीं चलता अगर स्मार्ट से पहले एंड्रॉइड ना लगा हो। तो यहाँ पर ये कुछ इनके एप्लीकेशन है जो कि इस टीवी में सपोर्ट करेंगे, अब देख लेना आपका जो भी फेवरेट एप्लीकेशन है वो यहाँ है या नहीं, बाद में मत कहना बताया नहीं। इसके अलावा 1 ईयर की वारंटी रहेगी, इंस्टॉलेशन के लिए ब्रांड से कोई बंदा आ जाएगा, इजीली इंस्टॉलेशन करवा सकते हो। सो ओवरऑल यार कूका ना भाई अभी बजट में बहुत अच्छे अच्छे अप्लायंसेस निकाल रहा है, मैं सिर्फ टीवी की बात नहीं कर रहा, अदर अप्लायंसेस भी ज्यादा बेटर निकाल रहा है, तो बस टूट पड़ो। और इसकी प्राइस भी अराउंड 8500 के समथिंग ही है। अभी यार देखो, मुझे ना ये एसर का जो टीवी अभी हमने देखा उससे भी कहीं ज्यादा बेटर लगा है, रीजन है इसका IPS पैनल और ये एक स्मार्ट टीवी है। भले ही स्मार्ट टीवी आपके काम आए या ना आए, बट हो सकता है कि कभी तो यार आपका इंटरनेट चलाने का मन करेगा, यूट्यूब वगैरह और भी अदर जो एप्लीकेशन है उन्हें यूज कर सकते हो, तो स्मार्ट टीवी के अपने ही अलग फायदे हैं। हाँ, अगर आप फायर टीवी स्टिक वगैरह यूज करना चाहते हो तो अलग बात है।
इसके अलावा एक और कमाल का टीवी बताता हूँ, VW। अब देख लेना यार किस ब्रांड के साथ जाना चाहते हो। जिस भी ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके आसपास है, स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा आपको उस ब्रांड के टीवी के साथ जाना चाहिए अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहते हो। वैसे सर्विस का तो ऐसा है कि भाई इनका एरिया वाइज डिपेंड करता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और कुछ एरियाज को ये लोग बिलो लिस्ट में डाल देते हैं। और ये तो आपको मैनुअली ही देखना पड़ेगा, कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। बाय द वे VW के इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो भाई 32 इंच में ये भी है, बेजल से इसकी भी बहुत पतली है जो कि हमने सिलेक्ट किया आपके लिए। इसके अलावा HD रेडी रेजोल्यूशन और ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट LED टीवी है। जी हाँ, रेजोल्यूशन तो बेटर है ही, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अच्छा मिल जाता है। एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी ज़्यादा बेटर है स्मार्ट टीवी से। तो यहाँ पर देखो मैंने तीनों ही बताए हैं, नॉन स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी और अब एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। अब इसमें क्या चीज़ बेटर मिलती है चलो बताता हूँ। इसका डिज़ाइन तो देखो काफ़ी बेटर है ही, बेजल्स बहुत ही पतली हैं और डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो भाई कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं। बट फिर भी यार मुझे कोका का जो अभी हमने टीवी देखा उसकी डिस्प्ले क्वालिटी इससे थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी, डेफिनेटली क्योंकि वहाँ पर हमारे पास IPS पैनल है, यहाँ IPS नहीं है। बाय द वे IPS पैनल ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, सो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो ये टीवी यहाँ नहीं होता, बट जो एक एक्सीलेंट वाली क्वालिटी होती है ना वो नहीं है, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस आपको मिलेगा। साउंड आउटपुट वही 20 वाट का है और ठीक ठाक सी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो यही है कि ये एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। अगर OS आपके लिए मैटर करता है, स्मार्ट टीवी का एंड्रॉइड होना मैटर करता है कि आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन अपना मनपसंद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको, तो फिर आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें भी वही 1 ईयर की वारंटी रहेगी, सो ओवरऑल ये भी एक अच्छा टीवी है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट टीवी है कोडक का। कोडक भी काफ़ी अच्छे टीवीज बनाता है नो डाउट, लेकिन यार देखो इसके ना मॉडल से थोड़े कन्फ्यूजिंग है। बाय द वे हमारे पास ये वाला मॉडल है और इसी का डायरेक्ट लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आप किसी शॉप वगैरह पर ट्राई करते हो तो ये मॉडल ज़रा याद रखना, अदरवाइज अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो रिजोल्यूशन यहाँ पर भी वही है, रिफ्रेश रेट है 60Hz, एक HDMI पोर्ट यहाँ ज़्यादा मिलता है। अब देख लेना अगर 2 से 3 HDMI पोर्ट्स आपके काम आते हैं तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। 2 USB पोर्ट्स भी हैं, साउंड क्वालिटी यार लाजवाब, सीरियसली। हाँ लेकिन अगर इसे 100% पर लेकर जाओगे, 100% वॉल्यूम कर दोगे तो भाई ऑडियो की धज्जियाँ उड़ जाएगी, तो 80% या मैक्सिमम 90% बस इतने पे ही चला लेना। डिज़ाइन यहाँ पर भी बेजल लेस डिज़ाइन है, डिस्प्ले वही VA पैनल है बट A+ ग्रेड पैनल है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का है, आपको कहीं पर कोई डैमेज वगैरह नहीं मिलेगा ज़रा सा भी। वैसे आपको नॉर्मली आंखों से तो वो डैमेज दिखेगा भी नहीं। 1 ईयर की वारंटी यहाँ पर भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल चारों ही टीवीज़ मैंने बता दिए, चारों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, किसी में कुछ चीज़ बेटर मिलती है तो किसी में कुछ कमियां हैं, सबके अपने अपने प्रोज हैं कौनस हैं। चारों ही टीवीज़ के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, बट फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो सो कमेंट में पूछ सकते हो, शर्माना मत। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।